मुनव्वर फारूकी बहुत ही जल्द हमें स्प्लिट्सविला 15 में नजर आएंगे विद सम स्पेशल पावर। एनसीवेद और रूरू रे आकृति के लिए किस लिए स्टैंड लिया, चलिए जानते हैं। सो लास्ट ईयर जब उर्फी विला में आई थी तो कंटेस्टेंट बनकर आई थी, लेटर शी रिवील कि वो मिस्चीफ मेकर है। एंड इस बार मुनव्वर फारूकी आएंगे बट नॉट एज अ कंटेस्टेंट। स्प्लिट्सविला 15 के दो एपिसोड में हमें मुनव्वर फारूकी नजर आएंगे। मुनव्वर फारूकी का स्पेशल अपीयरेंस होगा शो में। पहले तो वो सारे ही कंटेस्टेंट से इंटरेक्ट करेंगे और सारे ही कंटेस्टेंट उन्हें इम्प्रेस करने की ट्राई करेंगे। मुनव्वर आकृति से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होंगे और उनके साथ डेट पर भी जाएंगे और हाई चांसेस है कि मुनव्वर के पास जो स्पेशल पावर होगी वो आकृति को देंगे। अब बात करते हैं सिवेत और रूरू किस लिए आकृति के लिए स्टैंड ले रहे हैं। सो जब से ये शो स्टार्ट हुआ है तब से ही ना आकृति इज गेटिंग अननेसेसरी हेट। हर ब्रॉडकास्ट में हर जगह आकृति की ही बात होती है और कमेंट में भी आकृति को काफ़ी ज़्यादा गालियाँ पड़ती है, जिस पे रूरू एंड सिवेत ने स्टैंड लिया है आकृति के लिए। ये रही वो क्लिप। Oh, now I don't want just want to ever return back to Akriti and she was crying. Why is everyone talking about Akriti? अरे क्या किया उसने, तुम्हारा क्या बिगाड़ा, क्या है? Hold up. इतना ज़्यादा किसी को hate मत दो कि तुम अंदर दिल से सोचना बंद कर दो भाई. Think from your heart, speak from your heart. कभी तो सोचो कि तुम क्या बोल रहे हो. A girl is crying because she likes a person that much कि वो नहीं चाहती. तुम्हारा boyfriend girlfriend अगर ये करता तुम भी नहीं चाहते यार. और मेरे को लगता है इतना hate किसी को देना to the extent कि सामने वाले को तुम बस everyone like I saw a podcast, sorry मेरे को उसके बुराई नहीं करनी चाहिए, but if somebody is hosting a podcast I guess जो host होता है podcast का उसे सुनना चाहिए ना कि अपने views देने चाहिए उस पर. क्यों हाँ मैं उसे जानता हूँ, I mean आप कोई नहीं हो यार, यू आर नॉट द गाय, एनीवन यार. आई फील बहुत ही चिंदी बातें हुई है अभी मैंने सुना. जो मेरे को लगता है जब किसी की हेल्प कर देते हो किसी चीज़ में तो फिर जाने दो ना, कर दी हेल्प. अब हेल्प भी करनी है स्टार्टिंग में, फिर कहीं जाके कहीं बैठे हो तो सुनाना भी है कि भाई मैंने ऐसे किया उसके लिए किया. आई मीन वाई क्यों? एक्चुअली नाउ इट्स टू मच. इतना ज़्यादा हेट कोई भी डिजर्व नहीं करता है. जो लोग इतना हेट दे रहे हैं आकृति को उन्हें भी ये बात समझना होगा कि उनके हेट के वजह से किसी को मेंटली एंड इमोशनली इफेक्ट हो रहा है. आपका क्या ओपिनियन है, आकृति इतना ज़्यादा हेट डिजर्व करती है या नहीं, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें.